हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी हिमाचली ब्लॉगर अंजना ठाकुर। तो सबसे पहले तो बता दीजिए आप सभी लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं यहाँ से कर रही हूँ। मैं मायके से आ गई थी, परसों आई थी, मगर 2 दिन, परसों क्या मतलब, हाँ परसों आई थी। कल मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया और मैं अभी ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना कल पिछले कल पानी नहीं था, तो आज पानी तो था। कपड़े देख लीजिए, इतने सारे ढेर। अभी तक मैं कपड़े धो रही थी, मतलब सुबह से लगी थी मैं कपड़े धोने। लगभग इतने 10 बजे आरविका गई थी, 10:30 बजे तक मैंने बर्तन बुर्तन धो के मैं 10:30 बजे तक फ्री हो गई थी। और उसके बाद मैं कपड़े धो रही थी। अभी टाइम हो गया, 2 बज चुके हैं, अभी जाके मैं फ्री हो गई हूँ। तो आपको पता ही है, जब घर में लेडीज नहीं होती तो जेंट्स क्या करते हैं, सारे कपड़े निकाल निकाल के रख देते हैं और ढेर लगा के रख देते हैं। फिर होता हमारे को ये काम, एक्स्ट्रा इतना सारा काम देखो ला। तो बहुत ज़्यादा कपड़े थे, मतलब बहुत क्या, बहुत ही ज़्यादा। मेरे को नहीं, इतनी टेंशन हो गई थी कि अब मैं कब दूँगी। तो बताइएगा कि किस किस के घर में होता है ये, जब आप घर में नहीं होते हैं तो आपके घर वाले कैसे करते हैं। तो हमारे तो ये देखिए ऐसे रख देते हैं ढेर लगा के, क्योंकि उनके वहाँ काम भी होता है और जेंट्स को उतना वो भी नहीं होता कि भाई कपड़े धोने को है या घर में कुछ काम है ये वो। तो हम लेडीज़ों को ही होता है कि बस घर का काम है, ये रहा ये रहा ये रहा। तो इतने सारे कपड़े, और अभी आरविका वहाँ से क्या बोलते हैं, आंगनवाड़ी से आ गई है आरविका, और ईशानी अभी 4 बजे आएगी। ये आरविका 1:30 बजे आई है आंगनवाड़ी से और ईशानी 4 बजे आएगी। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। तो अभी मैं थक गई हूँ, अब मैं इनको कपड़े को रखूँगी, मतलब सुखाने के लिए डाल दूँगी, और उसके बाद फिर देखूँगी दाल सब्जी का रात के लिए, क्योंकि हम जल्दी रख देते हैं दाल सब्जी चढ़ा के। तो बाद में होता है कि तड़का तुड़का लगा लिया जल्दी से, बस अभी आरबीका नहीं है तो मैं फटाफट से कपड़े कर रख देती हूँ सुखाने के लिए, और अब बाद में जैसे मिलती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये हमने ना चार्ट लगाया है आरबीका के लिए। तो चलिए अब मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, है ना। तो देख लीजिए दोस्तों, ये है अब दूसरे दिन शाम के टाइम, क्योंकि पिछले कल जब मैंने कपड़े धोए थे ना, तो उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी कपड़े धो के। इतने ज़्यादा कपड़े थे ना, इतने ज़्यादा कपड़े थे, बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया उसके बाद। तो उसके बाद मैं सीधा अब भी शूट कर रही हूँ शाम के टाइम। तो अभी अंधेरा हो गया है, टाइम हो गए हैं, 6:30 हो गए हैं, और मैंने खाना खुना बना लिया है, क्योंकि हम जल्दी खाना खाते हैं। तो मैंने खाना खुना बना लिया है, और उसके बाद मतलब मैं नहाई हूँ, क्योंकि तंदूर जला हुआ था तो मैंने सोचा चलो नहा लेती हूँ, पानी भी गर्म हुआ था तो मैंने सोचा चलो नहा लेती हूँ। तो मैं अभी नहाई हूँ, आज है 18 नवम्बर, और आज क्या मतलब कल 19 नवम्बर को है ईशानी के पापा का बर्थडे। तो आज शाम को मैंने सोचा है कि मैं रात को 12 बजे उठ के उनको मतलब विश करूँगी, बर्थडे विश। तो पिछले साल तो वो मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि पिछले साल लडमचीड़ में मिला था, तो इसलिए मैंने पिछले साल उनको फ़ोन करके वो किया था, मतलब विश किया था। तो अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ वो ब्लॉग भी देखिएगा। तो आज जो है मैंने सोचा है 12 बजे उठ के मैं उनको विश करूँगी। अब देखते हैं मेरी नींद जाती है 12 बजे या नहीं जाती है। अलार्म मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अलार्म से उनकी जो नींद है ना वो ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए मैं अलार्म नहीं लगाऊंगी। तो ऐसे ही देख लूँ, अगर गई नींद तो मैं उनको विश करूँगी, अगर नहीं गई तो फिर देखने कितने बजे जाती है मेरी नींद। और मैंने न उनके लिए पता है बहुत ही अच्छी मिठाई लाई है, नेस्ले की चॉकलेट लाई है, और एक है 5 स्टार, 5 स्टार इस तरह से शायद, नहीं ये है 5 स्टार। तो वैसे मैं बड़ी चॉकलेट मांग रही थी अंकल जी से, हमारे पड़ोस में ही दुकान है तो उनसे मैं बड़ी चॉकलेट मांग रही थी, मगर थी नहीं उनके वहाँ चॉकलेट। तो अभी ईशानी के पापा और आरबी का पर्ली साइड है, तो उनको आवाज़ नहीं सुनाई दे, इसलिए मैं आई हूँ इस साइड, इस वाले कमरे में। तो अभी पर्ली साइड वो आग जला के बैठे हैं दोनों, और ईशानी गई है ट्यूशन,
तो अब देखते हैं रात को 12 बजे मेरी नींद जाती है कि नहीं जाती है। तो आप ब्लॉग को पूरा देखिएगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है ब्लॉग में। तो और देखिएगा हम क्या करेंगे उनके बर्थडे में। और हाँ, उनके लिए मैंने एक गिफ्ट भी लाया है, तो देखते हैं उनको मेरा गिफ्ट पसंद आता है या नहीं। तो चलिए अब मिलते हैं रात को 12 बजे। चलो पापा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। गई नींद? गई नींद? नहीं गई। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। गई नींद? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये है 19 नवंबर की सुबह। तो सुबह ना मैं इनके लिए बना रही थी खीर, चावल की खीर। तो ये चावल मैंने एक बार ग्राइंड के, मतलब एक बार चला दिया था मिक्सी में, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। क्योंकि हमारे पास ना छोटे वाले चावल नहीं थे, क्योंकि छोटे चावल से खीर ज़्यादा अच्छी बनती है। तो अगर आपके पास भी नहीं होगा तो आप भी ये ट्रिक आज़मा सकते हैं। तो इससे ना ये वाली ट्रिक ना बहुत अच्छे से काम करती है। तो मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा रख दिया था चावल में, क्योंकि चावल थोड़े मतलब खुले खुले से बने चाहिए थे। क्योंकि अगर टाइट बनेंगे चावल तो खीर उतनी अच्छी नहीं बनेगी। अगर खुले खुले से बनेंगे चावल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पानी ज़्यादा होगा और चावल में मतलब, तो फिर उसमें का वो स्टार्च निकलेगा चावल का, तो जिससे खीर और ज़्यादा अच्छी बनेगी। मतलब इसमें ना चावल का स्टार्च ही ज़्यादा वो मायने रखता है। तो ये देखिए, ये मैंने दूध डाल दिया है। दूध मैंने पहले से ही उबाल के रख लिया था, तो फिर अब मैं डाल रही हूँ ये दूध। और पहले मैंने चावलों को स्टीम लगाए, मतलब 3-4 स्टीम, जिससे चावल अच्छे से पक गए। तो उसके बाद फिर मैंने ये दूध डाल दिया इसमें, और उसके बाद मैंने चीनी डाल दी। ये देख लीजिए, तो कुछ चीनी मैंने पहले ही डाल दी थी, और उसके बाद मेरे को थोड़ा कम लगा। तो ये ड्राई फ्रूट्स, तो इसमें है काजू, बादाम, किशमिश और गरी, मतलब नारियल। और ये मैंने घी डाल दिया था। तो ये देख लीजिए, ये मेरी खीर बन चुकी है। ये मैंने कॉली में रख दिया निकाल के उनके लिए। तो अब हम उनको खिलाएंगे ये खीर। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ये मैंने उनके लिए गिफ्ट लाया है। इसमें है कपड़े उनके लिए, एक है पजामा, गर्म पजामा, मतलब पैंट जिस टाइप है, और एक है टी शर्ट। मतलब हर बारी मैं उनको कुछ ना कुछ देती हूँ, तो मैंने सोचा चलो इस बार भी दे देती हूँ, क्योंकि सर्दी काफ़ी है, तो इसलिए मैंने गर्म पैंट लिए उनके लिए। और खीर बनाई है, ज़्यादा कुछ तो नहीं हम करते हैं, मतलब बाकी नहीं मनाते हम बच्चों का ही, सिर्फ वो बच्चों के लिए ही हम केक कट करते हैं, तो अपने लिए नहीं करते। तो उनके लिए मैं अपने बर्थडे पे तो हम कुछ भी नहीं बनाते। शानी पापा के बर्थडे के लिए पिछली बार हलवा बनाया था, इस बार खीर बनाई है। और ये कपड़े लाए हैं, तो चलिए उनका खीर के साथ अब मीठा मुंह करके फिर दे देती हूँ ये गिफ्ट। तो देखते हैं उनको पसंद आता है या नहीं। Happy birthday to you. Happy birthday dear Arbika ke papa. Happy birthday to you. बोल बेटा happy birthday papa का। Dear papa. Happy birthday to you.
हैप्पी बर्थडे शानी के पापा। मैंने देख दो दो चीजें लाई। वाह कैसा लगा गिफ्ट? बहुत बढ़िया। ओ आपको सही वो कि मैं लाऊंगी कि नहीं लाऊंगी? हैं लगा तो कि आना मुँह कि नहीं आना तो कि चले नहीं। तो ये देख लीजिए, ये है शाम के टाइम खाना बनाने की तैयारी हो रही थी, तो यहाँ पर बन रहा था आज कुछ स्पेशल। तो आज बना रहे थे शानी पापा पनीर और चिकन, तो इन्होंने बोला मेरे को तो रहने दे मैं ही बना लेता हूँ। तो फिर मैंने सिर्फ चपातियाँ बनाई, रोटी बनाई, तो इन्होंने बनाया चिकन और पनीर। तो यहाँ पर हम बोल रहे थे मगर पीछे से म्यूज़िक थी, तो आज का ब्लॉग यहीं तक, इसके आगे कुछ भी शूट नहीं हुआ। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया, तो मैं मिलती हूँ अब आपको अगले ब्लॉग में। बाय।